अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैं आज आपके साथ में ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जो रेसिपी है, हमारी इंडियन रेसिपी पोहा, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये बच्चे बड़े हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और होटल से अच्छा पोहा हम घर पर बना सकते हैं, उससे भी बेहतरीन जायके वाला। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। ये देखिए, ये आधा किलो पोहा है। हम इसे पहले अच्छे तरीके से दो तीन पानी से धोकर वॉश कर लेंगे और इसका पानी इस चलनी में निथार लेंगे। रेसिपी बनाने के पहले हमें इसे धोना है और वॉश करके रखना है। तो चलिए, हम पोहे को दो तीन पानी से अच्छे तरीके से, आप इसे दो पानी से या तीन पानी से वॉश करने से अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। हम इसे इस तरीके से मसल मसल कर धोएंगे। बाहर की चीज़ें जब भी खरीद कर लाए तो उसे अच्छे तरीके से वॉश करें। और देखिए, इसे हमें इसका जो है पानी इस तरीके से मसल मसल कर हम इसे धोएंगे और इस स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो हमने ये हमारा पोहा जो है वॉश कर लिया है और इसे स्ट्रेनर में इस चलनी में हमने निकाल लिया है। ये आधा किलो के करीब पोहा है। इसे मैंने तीन पानी से वॉश किया है, थोड़ा हल्के हाथ से मसलते हुए, वरना ये जो पोहा हमारा चूरा हो जाएगा। हल्के हाथ से मसलते हुए हमें इसे वॉश करना है और फिर स्ट्रेनर में निकाल लेना है। रेसिपी बनाने के पहले हमें ये काम करना है। उसके बाद में देखिए, ये मैंने ली है दो मीडियम प्याज है, मीडियम साइज़ की। ये हरी मिर्ची, हम थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं। वैसे होटल वाले जो पोहे होते हैं ना, वेस्टर्न स्टाइल और होटल वाले रोड साइड, उसमें हरी मिर्ची जो है इतनी नहीं डाली जाती, वो जो फीकी हरी मिर्ची होती है लाइट कलर की, वो डाली जाती है। मगर हम जो है स्पाइस और तीखा ज़्यादा खाते हैं, वो हिसाब से हम ये मिर्ची यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये है हरा धनिया, ये है 15 से 20 कड़ी पत्ते, ये देखिए, ये है राई, सरसों, सरसों के दाने मैंने लिए हैं आधा चम्मच, और ये है मूँगफली के बीज, ये ज़ीरा भी इसी चम्मच के हिसाब से आधा चम्मच है, और ये है नमक स्वाद के अनुसार, और ये है इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, ये है शक्कर। इसके बिना हमारे पोहे में होटल वाला स्वाद नहीं आएगा। देखिए, देख रहे हैं ना, इसके बिना हमारे पोहे में कोई स्वाद नहीं आने वाला है, वही फिर घर जैसे पोहे बन जाएंगे अगर आपने ये शक्कर स्किप की। तो ये शक्कर डालना ज़रूरी है, ये थोड़ी सी शक्कर है, देखिए बस इतनी शक्कर डालने से जो है होटल वाले जो होते हैं ना, ये शक्कर ज़रूर यूज़ करते हैं वो। तो चलिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये है हल्दी। चलिए, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है, हमने ये बर्तन लिया है, इसमें हमने डाला है, अपने हिसाब से आप तेल लीजिएगा जितना आप कम या ज़्यादा खाते हैं। कोई ऑयल ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, उस हिसाब से हम इतना खाते हैं, तो मैंने ये हिसाब से डाला है। अब चलिए, हम गैस को ऑन करते हैं। तो ये फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, हमारा तेल अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। देखते हैं तेल गर्म हो चुका है क्या। जैसे हमारा तेल गर्म हो, सबसे पहले हम डालेंगे ये मूंगफली। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा करंच आएगा। अगर हम जो है प्याज वगैरह डालते वक्त अगर इसे हम डालेंगे ना, तो ये सौगी हो जाएगी, ये फिर हमारी अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगी। और यहाँ बन रही है हमारी चाय। जब पानी गर्म हो जाए उसी वक्त हम उसमें पत्ती डालेंगे। पोहे के साथ साथ एक तरफ चाय बन रही है, पानी का जब उबाल आएगा तब उसमें पत्ती डालेंगे, तो आप देखेंगे कि चाय का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने। सरसों थोड़ी जो अच्छे तरीके से तड़क जाए, तो फिर हम ये डालेंगे उसमें ये ज़ीरा। स्टेप बाय स्टेप अगर हम बनाएं ना, तो हमारा स्वाद भी होटल वाले से अच्छा ही आएगा। ये देखिए, ये है कड़ी पत्ते, ये भी हम इसमें इस वक्त डालेंगे। इस वक्त हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। तो देखिए, ये मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल दिए।
हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए। आप लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं तो मुझे कमेंट कर बताइए। हमारे इधर जो है महाराष्ट्र स्टेट, इसमें जो है ज़्यादातर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको आसानी से ये पोहा जो है रोड साइड या होटल में कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और रोज़ाना घर में आने बनने वाली जो ये आसान सी डिश है, ये मॉर्निंग में हर किसी के यहाँ बनती है। तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे ये हल्दी, आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं मेजर नहीं करती हूँ। मैं नमक हल्दी शक्कर वगैरह जो है ऐसे डाल देती हूँ अपने अंदाज से, और वो परफेक्ट भी हो जाता है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे ये चीनी शक्कर ताकि ये थोड़ी मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये हरा धनिया, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। इस वक्त ये हरा धनिया डालना जो है ज़रूरी है, इससे हमारे पोहे में जो है अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ऊपर से भी हम जो है डेकोरेट करते हैं उसे, मगर जो ये इस वक्त डालने में जो उसका जो स्वाद आता है ना, इस तरीके से आप बना कर देखिए एक बार घर में। अब हम इसमें डालेंगे पोहा, ये हमने डाल दिया है इसमें पोहा, हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके चलाएंगे। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से है, हम इसे थोड़ी देर और पकाना है बस। ये देखिए बस ये थोड़ी देर और गर्म हो जाए अच्छे तरीके से, तो हम इसे सर्व करेंगे। और ये अभी हमारी चाय यहाँ बनना शुरू है। चाय बनाने से पहले इतना याद रखिए कि बस पानी उबला हुआ होना चाहिए, जब पानी उबले तभी उसी वक्त उसमें जो है हमें पत्ती डालना है। और आप कौन सा फ्लेवर लेते हैं, मैं अदरक और इलायची का फ्लेवर डालती हूँ अपनी चाय में। तो अभी चाय यहाँ बन रही है, तो देखिए ये पोहा हमारा जो है रेडी है। देखिए इसमें से किस तरीके से गर्मा गर्म जो है स्टीम निकल रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे, इस वक्त मैं गैस को कर दूंगी बंद। और यहाँ देखिए इस साइड में बन गई हमारी चाय अदरक और इलायची फ्लेवर, इसे मैं बंद कर दूंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से सर्व किया है ये सेव के साथ में, ये मेरी बेटी को सेव के साथ में पसंद है, और मैंने ये चूड़ी के साथ सर्व किया है। और ये यहाँ रखी है चाय, ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कमेंट कर बताइए, लाइक कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।